वेलकम बैक टू न्यूरा मैथ्स क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम हायर ट्रिग्नोमेट्री या फिर आप बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री, इसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। और आज से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में मैं आपको इस बुक के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एंड थ्योरम्स करेंगे। ओके, तो जो ट्रिग्नोमेट्री नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री बुक जिसके अप्लाई होती है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिसके सेकंड सेमेस्टर में नंबर थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री बुक अप्लाई नहीं होती है, है ना। सो जिसके भी स्टूडेंट के जैसे MDU, KU, IGU ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये बुक अप्लाई होती है। कुछ एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, GJU है, जैसे CBLU है, उसमें इस बुक को हटा दिया गया है। लेकिन वहाँ पर ये फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स के या फिर फिफ्थ सेम के जिसके भी आता है वो स्टैंडर्ड से पढ़ सकते हैं। तो हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम के लिए कौन से चैप्टर ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, जिससे हम स्टार्टिंग से ही अपनी ऐसी प्रिपरेशन रखें कि एग्ज़ाम टाइम हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। नंबर थ्योरी का मैं आपको बता चुके हूँ, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री आपका जो एक बुक में ही कंप्लीट होता है। दो यूनिट नंबर थ्योरी से आते हैं, दो यूनिट ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं, ठीक है। नंबर थ्योरी का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का वीडियो मैं अपलोड कर चुके हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है सिलेबस ऑफ सेकेंड सेम, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो प्लेलिस्ट से भी आप देख लीजिएगा या फिर वीडियोज़ में जाइएगा तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको कौन कौन से यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। 6 चैप्टर हैं और 3-3 चैप्टर्स के आपको यूनिट्स मिलेंगे। यूनिट्स हमें डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, ये तो आप अब तक समझ गए होंगे, आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी दे दिए हैं तो इतना तो आपको पता चल गया होगा यूनिट का क्या यहाँ पर कितना ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि यूनिट से ही हमें पता चलता है कि कौन सा चैप्टर आप यहाँ पर बिल्कुल स्किप भी कर सकते हो और कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है एग्ज़ाम के लिए। वैसे आपको पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए। अगर आप ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, इसको हम हायर ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो फार्मूलाज, जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप करते हैं, हर एक फर्स्ट चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर तक हर एक चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर एक चैप्टर इस क्लास के लिए तो है ही है, जब आप आगे इन फार्मूलाज का इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसका यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने पढ़ा वो सही पढ़ा है, कोई चैप्टर स्किप नहीं करोगे। जैसे अभी यहाँ पे लगा लीजिए हाइपरबोलिक फंक्शंस, कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता हाइपरबोलिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है ना। इसके फार्मूलाज कैसे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज तो हम प्लस वन प्लस टू में पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में आकर के, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको यूनिट नंबर, वैसे थर्ड है ये नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री बुक में, लेकिन नंबर थ्योरी का मैं डिस्कस करवा चुकी हूँ तो ये हमारी यूनिट नंबर थर्ड है ट्रिग्नोमेट्री की, समझ गए। ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट यूनिट लेकिन पूरी बुक की थर्ड यूनिट है, ओके। 3 चैप्टर्स में से आपको जो है वो एक यूनिट यानी कि 2 क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिस चैप्टर, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर, डी मॉवियर्स थ्योरम्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। आपको पता भी है डी मॉवियर थ्योरम, जिन स्टूडेंट ने अभी पढ़ लिया है और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो भी बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। इसका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी थ्योरम, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपने इस थर्ड यूनिट में ये एक चैप्टर कर लिया तो जो स्टूडेंट केवल पास होना चाहते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल वरदान साबित हो सकता है। केवल एक चैप्टर कर लीजिए आप, इसमें से पूरा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन आपका बनेगा ए और बी पार्ट कंप्लीट इसमें से आएंगे, इतना लेंथी चैप्टर है ये। बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन अलग लगा लीजिए, इस चैप्टर एक चैप्टर को अलग लगा लीजिए, ठीक है। तो ये चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे डी मॉवियर थ्योरम में भी कौन से टॉपिक, कौन से क्वेश्चन, कौन सी थ्योरम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, समझ गए। सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, हाइपरबोलिक फंक्शन, इन दोनों चैप्टर से एक क्वेश्चन कवर होगा ए और बी पार्ट, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें 3 चैप्टर्स हैं इसलिए आप रिस्क नहीं लेंगे और 2 चैप्टर तैयार करेंगे, क्लियर दैट। चाहे तो सेकेंड और थर्ड कीजिए
चाहे फर्स्ट और सेकंड कीजिए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि इस यूनिट में पहले क्वेश्चन से पहले चैप्टर से पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाए, पूरा क्वेश्चन के दोनों पार्ट यहाँ से तैयार हो जाए। समझ गए? तो जो बच्चा रिस्क नहीं लेना चाहता है, जो चाहता है कि मेरे बिल्कुल अच्छे मार्क्स आए, तो वो एग्ज़ाम के लिए दो चैप्टर प्रिपेयर कर सकता है, सेकंड थर्ड या ओनली फर्स्ट सेकंड। क्लियर दैट? अब काफ़ी स्टूडेंट जैसे मैं वीडियो बता इसमें डालते हूँ, पूरी वीडियो देखते नहीं है, बीच में ही कमेंट करने लग जाते हैं, मैडम हमें ये बताइए कि हम केवल पास किस चैप्टर में हो सकते हैं। तो आप पूरी वीडियो आराम से देखोगे तो मैं हर एक स्टूडेंट के लिए बताती हूँ, जो केवल पास होना चाहता है, जो एवरेज स्टूडेंट है, और जो बिल्कुल पढ़ाई में 100% जो मार्क्स लेना चाहता है, सभी के लिए मैं डिस्कस करती हूँ, है ना। तो जो स्टूडेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेगा वो तो एक भी चैप्टर स्किप नहीं करेगा। ये जो आपको सेकेंड और थर्ड चैप्टर दिखाई दे रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेसिक का काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूलाज इसके अंडर आते हैं। हायर ट्रिग्नोमेट्री है ही कम्प्लीट, बहुत जो नंबर थ्योरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हायर ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इसका आप फर्दर क्लासेस में बहुत यूज़ करोगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक बार रीड पूरा सिलेबस करना है, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है वो एक चैप्टर से काम चला सकते हैं, और सेकेंड और थर्ड चैप्टर देखिए क्या होता है, अगर डेमोवियर थ्योरम आपने नहीं पढ़ी तो आप मार खा सकते हो सेकेंड चैप्टर में भी, क्योंकि इसका तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। तो इससे अच्छा यही है कि बाकी हम कॉन्सेप्ट क्लियर ना कर पाएँ, इससे अच्छा पहले चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ताकि बाकी में भी आपका यूज़ हो जाए। समझ रहे हो? तो फर्स्ट चैप्टर तो किसी भी स्टूडेंट को नहीं छोड़ना है, इसके काफ़ी ज़्यादा लेंथी है ये चैप्टर वैसे, लेकिन जो केवल पास होना चाहता है वो केवल ये एक ही चैप्टर कीजिए, आपकी ये यूनिट पूरी कवर हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ यहाँ पर आता है यूनिट सेकेंड, यूनिट फोर्थ कंप्लीट बुक की तरफ से, और इस बुक का देखेंगे तो सेकेंड यानी ट्रिग्नोमेट्री में सेकेंड यूनिट है ये। लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इनवर्स सर्कुलर एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन एंड समेशन ऑफ सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज आप पढ़ोगे कि आपको लगेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल मतलब जो स्टूडेंट एमएससी करेगा उसके लिए, और जो अब अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर पढ़ेंगे, फाइनल ईयर पढ़ेंगे, तो सभी में यूज़ होगा ये, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, पूरा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगा। तो एक बार तो आप कम से कम एक बार तो आप इसको ज़रूर पढ़िए, जिससे थोड़ा सा फॉर्मूला आप फैमिलियर हो जाए, हाँ कहीं हमने ये देखा है, कहीं आगे जाके देखोगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया, तो कम से कम ऐसा तो हमें लगे कि हमने कभी तो पढ़ा था, याद आए तो हम बुक उठा के देख भी सकते हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, नंबर थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री बुक अगर आपके पास है तो आप उसको खोलकर देख भी सकते हो, है ना। तो ये बेनिफिट होता है, कम से कम हमें पता होना चाहिए, एक बार पूरा सिलेबस इसलिए हमें रीड करना चाहिए। इससे बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समेशन ऑफ सीरीज़ वो इस क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए तीन चैप्टर हैं, इसमें एक चैप्टर से काम नहीं चलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था केवल एक चैप्टर कर लो पूरा एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ये इसलिए था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, और जो चैप्टर लेंथी होता है उसमें से पूरा क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको तीन चैप्टर्स में से दो तो तैयार करने ही करने पड़ेंगे, या तो फोर्थ फिफ्थ करो या फिर फिफ्थ और सिक्स चैप्टर करो, दो चैप्टर तो आपको करने ही करने पड़ेंगे, आप यहाँ पर एक चैप्टर से काम नहीं चला सकते। क्लियर दैट? तो लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इनवर्स सर्कुलर एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, अगर आपने दो चैप्टर कर लिए हैं तो आप ये सिक्स चैप्टर स्किप कर सकते हो फॉर एग्जाम। ठीक है, और अगर आपने फिफ्थ और सिक्स किया है तो आप फोर चैप्टर स्किप कर सकते हो। क्लियर दैट? तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगी जो लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, जो बहुत काम आएंगी, मतलब मैं नहीं कहूँगी आपको कोई भी चैप्टर स्किप करो। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके हमेशा तक काम आएगा, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये पूरा सिलेबस जिस भी स्टूडेंट के हैं मैच कर सकते हैं, आउट ऑफ हरियाणा स्टूडेंट्स उनके ये हायर ट्रिग्नोमेट्री से मिलता है, चैप्टर्स के डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पर केवल मैं आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही बताऊंगी, लेकिन अगर आपको कंप्लीट सिलेबस डिटेल से करना है जिसमें सभी थ्योरम्स इंक्लूड होंगे, सभी क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, तो आप न्यूरा मैथ्स मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं,
या तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर अपना कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो, सभी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। कोई भी डाउट अगर आता है तो आप वहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो हर एक सिलेबस का आप वहाँ पर कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। स्टोर सेक्शन में विजिट करेंगे आपको कंबाइंड कोर्स भी मिलेगा। कंबाइंड कोर्स में कंटेंट सेम होता है। कई बच्चों के फ़ोन आते हैं, कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैम कंबाइंड कोर्स और सेपरेट कोर्स में डिफरेंस क्या है। ओनली फीस का डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो स्टूडेंट कंबाइंड कोर्स लेता है उसको सेपरेट कोर्सेज की फीस में फीस से थोड़ा सा कंसेशन कर दिया जाता है, और कुछ भी नहीं है। कंटेंट सारा सेम होता है, एक भी क्वेश्चन एक भी वीडियो इधर उधर नहीं होती है, बिल्कुल सेम आपको मिलेगा। ओके, तो आज इस सिलेबस को जो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स अभी अपने नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड फॉर कंप्लीट सिलेबस यू कैन डाउनलोड योर MS मोबाइल एप्लीकेशन एंड यू कैन ज्वाइन योर कोर्सेज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।